तो पिछले बार वन पीस में क्या हुआ था? नहीं सही में क्या हुआ था? लास्ट चैप्टर तो मैंने रिव्यू भी नहीं करा था। अच्छा, लूफी वानो छोड़ के जा रहा था मोमोनोसुके और किनेमोन को गुड बाय कहे बिना, बस इतना ही। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू रूफी क्यों। और आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं 1057, जो कि सुनने में आ रहा है कि काफी बोरिंग और काफी घटिया चैप्टर था, पर क्या ये सही में इतना ज्यादा बेकार चैप्टर था? हाँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। यहाँ पे ऊता का फिलर दिया हुआ है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, पर हम लोग करेंगे। तो पैनल के स्टार्टिंग में सैंक्स थोड़ा चिड़ा हुआ है कि वो ऊता सोती क्यों नहीं है। सैंक्स कहता है कि वो तो पूरा रोए जा रही है और पूरा चिल्लाए जा रही है। लकीरू इस पे कहता है कि क्यों ना हम लोग उसको नॉकआउट कर दे, जिस पे बेन बैकमैन भड़क के कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो पूरा क्रू तुम्हें मारेगा। और यहाँ पे ये चीज़ शायद पास्ट में था, क्योंकि फिर हमें दिखता है कि ऊता बड़ी है और वो कुछ बच्चे से गोद में लेके, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया। और फिर नेक्स्ट पैनल में हमें दिखता है कि कैसे जब वो बिल्कुल छोटी थी तब सैंक्स और उसका क्रू उसे अडॉप्ट करता है। और फिर नेक्स्ट पैनल में हमें दिखता है उसका गाना और वो जो कि ये सब सोच रही होती है। और इसकी शक्ल देखकर मुझे याद आया कि हाँ, बहुत से लोग इसको स्काइपिन समझ रहे थे एक टाइम पहले, परंतु ओडा ने उनके अरमानों पर मुंह चलो रहने देते हैं। बाय द वे, तुम लोग फिलर्स देख रहे हो क्या? जो कि अभी लेटेस्ट मेरे ख्याल से 2 एपिसोड्स आ चुके हैं और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना सही होगा। खासकर जो पास्ट था जहाँ पे बेन बैकमैन और लूफी को दिखाया था, बहुत ही सही बैठता है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कैनन है, पता नहीं क्यों बिल्कुल कैनन टाइप इसको कर दिया है कि हाँ ये चीज हो चुका है पहले स्टोरी में। और जो रेड हेयर पायलट थे वो एक बार नहीं, वो 2 बार आए थे, पहली बार ऊता के साथ, दूसरी बार ऊता को कहीं छोड़ छाड़ के आए थे, एंड ऐसा ही कुछ। ऑन दी अदर हैंड, ऊता का जो कैरेक्टर है मुझे पता था वो कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो मेरे को कुछ उतना खास पसंद नहीं आया। बट लूफी के साथ उसका अच्छा बॉन्ड था और इसी वजह से थोड़ा इमोशनल लगता है ये एपिसोड्स। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि गाना वगैरह होने के बावजूद भी डिज्नी वाला फील नहीं आ रहा है जैसा कि होल के आइलैंड में आ रहा था, जो कि बहुत ही भद्दा लगता है। और हाँ, एपिसोड में एक पार्ट आता है जहाँ पे 5 एल्डर्स भी सैंक्स को मेंशन करते हैं कि हाँ भाई, इसने तो कुछ कांड कर दिया है। अब पता नहीं सैंक्स ने ऊता के साथ क्या कर डाला, पर जो भी किया वो अच्छा नहीं किया है, क्योंकि सबका रिएक्शन ऐसा ही था कि भाई रॉजर तो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड होगा इस सैंक्स के ऊपर। पर क्या सैंक्स सही में इतना बुरा है? मेरे ख्याल से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है यहाँ पे, और वो चीज हमें वन पीस फिल्म रेड में दिखाई जाएगी और उसको ठीक किया जाएगा। एक्चुअली प्लॉट अच्छा है, मेरा मतलब यहाँ पे इस चीज को सबसे पहले तो ऐसे दिखाया जा रहा है कि हाँ ये कैनन है और स्टोरी में कुछ तो इसका इम्पैक्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वन पीस फिल्म रेड कैनन नहीं होने वाला है, बट तुम इसे कैनन मान सकते हो क्योंकि इसका स्टोरी एक्चुअली पास्ट में चल रहा था, और हाँ ये फ्यूचर में होगा भले, क्योंकि छोड़ो मैं अभी स्पॉइलर देने वाला था, बच गया। तो हाँ, ये चीज तुम मान सकते हो कि ये कैनन है, बट मैं बता रहा हूँ ये कैनन नहीं है, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में जाकर ऊता कहीं नहीं दिखेगी। ओ सेट, वीडियो बहुत लंबी खिंच रही है। ठीक है चलो, सबसे पहले बात करते हैं यामाटो के बारे में। तो हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि ये चीज शॉकिंग था कि वो क्रू ज्वाइन नहीं कर रही है। क्लियरली यहाँ पे ये चीज साफ दिख रहा है कि ओडा ने यह चीज अचानक से सोचा है, मतलब ये डिसीजन उन्होंने अचानक से लिया है। अब ये मेरा ओपिनियन है, तुम यहाँ पे कुछ और भी सोच सकते हो, बट मेरे ख्याल से यह चीज पहले से ही प्लान्ड नहीं था। क्योंकि अगर तुम देखो तो यामाटो क्रू ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, लाइक वो सारे क्राइटेरिया को फिल करती है, जैसे कि वो खुद को ओडन मानती है, और देखा जाए तो ओडन भी रॉजर के शिप में था। इसके साथ उसका रिलेशन, उसका खुद का ड्रीम, लाइक उसको देखना है कि वानो के बाहर है क्या, बाहर का वर्ल्ड कैसा है, और लूफी भी मना थोड़ी करता, और फैंस भी काफी खुश थे। और मेन चीज तो यही है कि यामाटो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी लूफी के क्रू को ज्वाइन करने के लिए और वानो को छोड़ने के लिए, लेकिन फिर पता नहीं इस चैप्टर में उसको क्या हो जाता है। मतलब मेरे को ये बताओ कि ये सडन चेंज हुआ कब? अचानक से उसके दिमाग में क्या चुल मचा कि चलो पहले वानो घूम लेती हूँ, उसके बाद घूमूंगी मैं बाहर का दुनिया। और अगर देखा जाए तो ओडन को 1 साल लग गया था वानो घूमने में, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यामाटो भी अच्छा खासा लंबा टाइम लेगी। इतने देर में तो लूफी पायरेट किंग बन जाएगा। बट चलो, मेरे को समझ में आता है कि ओडन ने ऐसा क्यों किया। रीजन बीइंग कि हाँ, भसड़, जरूरत से ज्यादा ही कैरेक्टर्स का होना जिसे संभालना मुश्किल है।
एक्चुअली 10 मेंबर भी ज्यादा ही है। तुम लोग यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो कि टाइम स्किप के बाद स्ट्रॉ हैट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो थोड़ा कम हो गया है। मतलब हाँ है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। और ये चीज ओडा को अच्छे से पता है और इसको अवॉइड करने के लिए वो कैरेक्टर्स को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जैसे हर आर्क के एंड तक वे लोग बिछड़े हुए रहते हैं। ये चीज सबसे ज्यादा नोटिसेबल है ड्रेसरोजा और होल केक आइलैंड में, जहाँ पे ड्रेसरोजा में नामी, सांजी, ब्रुक, चॉपर, जो चले जाते हैं और उनका हमें कोई न्यूज भी नहीं मिलता। पूरा फोकस सिर्फ लूफी, जोरो, फ्रैंकी, रॉबिन और उसोप पे रहता है, जहाँ पे ओडा उन पे प्रॉपरली फोकस कर पाते हैं और उनको प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड स्क्रीन टाइम भी मिल पाता है। और फिर यही चीज ठीक उल्टा होता है होल केक आइलैंड में। और ये चीज ओडा के तरफ से एक अच्छा स्ट्रेटेजी तो था, बट सिर्फ वन टाइम, हर बार ये काम नहीं आएगा। लेकिन इससे हमें कैरेक्टर्स के बीच में जो मस्ती वगैरह जो होते रहता था वो हमें दोबारा देखने को मिलता है, जो कि ज्यादा कैरेक्टर्स होने की वजह से सो करना मुश्किल है। ये बिछड़ने वाला चीज हाँ वानों में भी है, बट ज्यादा नहीं। एटलीस्ट सारे अपना काम करते रहते हैं अपने रोल के हिसाब से, सबको प्रॉपर स्क्रीन टाइम भी मिलता है वानों में, सबको डेवलपमेंट भी अच्छा खासा मिला है। और याद रखो कि साइड कैरेक्टर्स भी होते हैं, उनको भी प्ले करना पड़ता है स्टोरी में, इसलिए ओडा जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल है। एटलीस्ट ड्रैगन बॉल की तरह वे लोग साइड में खड़े होकर सिर्फ तमाशा नहीं देख रहे होते। अब मेरे को तो देखना है कि ओडा इन 10 कैरेक्टर्स को कैसे एक साथ हैंडल करते हैं। खैर रही बात यामाटो की, तो हाँ अभी भी वो क्रू ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि एज वी नो प्लूटोन वानो में है, तो हो सकता है कि उसके लिए वे लोग वापस आए। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गया है, यू नो वो क्ले वाला बंदा जो भी उसका नाम है वो सुन लिया था, तो कोई रेड भी कर सकता है वानो में, लेकिन उससे निपटने के लिए लूफी यहाँ पे अपना फ्लैग दे रखा है। और एक्चुअली मुझे यही चीज तो देखना था, आखिर यंको का काम यही तो होता है कि एक आइलैंड को ओन करना, मतलब यहाँ पे वे तो उसका दोस्त है, बट ये चीज बहुत ही एपिक था, मतलब एकदम से प्राउड वाला फील आया मुझे। अब जरा मोमोनोस्के के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वो शुरुआत में तो खूब गाली दे रहा होता है लूफी को। ओडा ने इस चीज को थोड़ा बिल्डअप भी करा था, लाइक जब मोमोनोस्के लूफी से मिलेगा तब वो उससे गुस्सा होगा, वो उसको गाली वगैरह देगा, लेकिन जब वो फाइनली फेस टू फेस उससे मिलता है तब एक्चुअल उसका दिल का ही बात बाहर आता है। वो रोते हुए कहता है कि उससे उसको दूर नहीं जाना है, वो उसके साथ ही रहना चाहता है। लूफी रिप्लाई में कहता है कि हाँ उसे मालूम है कि वो अंदर से कैसा है, वो कमजोर है, बट वो उसको अपने भाई की तरह मानता है। ये वाला चीज इसलिए मुझे इमोशनल लगा क्योंकि ऐसा कुछ रियल लाइफ में भी होता है, जहाँ जब तुम सोच रहे होते हो कि अगली बार जब तुम उससे मिलोगे तो उसको खूब सुनाओगे, लेकिन जब तुम उससे एक्चुअली मिलते हो तब इमोशनली तुम उससे वही कहते हो जो तुम्हारे दिल में होता है। कभी कभार तुम तो कुछ बोलते भी नहीं हो, अरे यार मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए। एनीवे बात करते हैं ह्यूरी के बारे में। यहाँ पे ये क्या बोली यार, मेरे को समझ नहीं आया। कुरुजोमी का मतलब होता है चारकोल, इट मींस कि वे लोग जलने के लिए पैदा हुए हैं। अब ओडा यहाँ पे कहना क्या चाहते थे, मतलब ये लाइन बहुत ही डार्क है। ह्योरी यहाँ पे ओरोची और कांजीरो को ही कह रही है ऑफ कोर्स, बट अगर देखा जाए तो उनका ईविल बनने का भी अपना एक रीजन था कि उनके क्लैन को एक्चुअली पूरी तरह मार दिया गया था और बदले की आग में ही वे लोग दोनों ऐसा किए थे। ह्योरी का ये लाइन यहाँ पे ये कहता है कि हाँ उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, उनको तो ऐसे ही वो पैदा ही हुए इस चीज के लिए। अब जापानीज में इसका कुछ अलग मतलब हो तो प्लीज मुझे बताओ। खैर जो भी हो, वानो अब फाइनली एंड हो चुका है पूरे 3 या 4 साल बाद, और मैं इनको काफी मिस करने वाला हूँ, खासकर लॉ को। यार लॉ पता नहीं कितने सालों से मतलब स्ट्रॉ हैट के साथ हैंग आउट कर रहा था, और जब चॉपर भी उसे जब गुड बाई कहता है ना, तब भाई मेरे को हंसी आ गया था, क्योंकि यहाँ पे लॉ कह रहा होता है कि अगली बार जब तुम लोग मिलोगे तो मैं एज ए एनिमी तुम्हें मारूंगा। बट क्या वो सही में मारेगा? मतलब एनिमे में मैंने देखा था कि एक टाइम पे लॉ कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई एक भी मरे, और यहाँ पे वो कहता है कि अगली बार तुम मिलोगे तो हम लोग एनिमी होंगे, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, मैं मार दूंगा। और यहाँ पे लूफी कैजुअली कहता है कि हाँ हाँ चलो ठीक है, और चॉपर बैकग्राउंड में कहता है कि गुड बाय लॉ, और याद करो चॉपर और लॉ का रिलेशन कैसा है। तो यार हाँ मैं लॉ को काफी मिस करने वाला हूँ। खैर मैं इस वीडियो में थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो, क्योंकि मुझे खांसी है। एंड अगर तुम्हें कुछ वीडियो में कुछ गलती लगी हो तो प्लीज मुझे बताओ वो क्या है, एंड ऐसा कुछ दोबारा ना करूं एंड खुद को इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करो यार, कुछ पैसा थोड़ी लग रहा है तुम्हारा, अकेले क्यों मजे ले रहे हो। वैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो किसका वेट कर रहे हो यार, करो ना सब्सक्राइब, तभी तो होंगे 10,000 सब्सक्राइबर, और तुम्हारे भाई को वो घमंड वाली फील भी आएगी कि हाँ 10,000 सब्सक्राइबर है, समझ रहा है तू। तो यार कर दो सब्सक्राइब, पैसा थोड़ी लग रहा है तुम्हारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।